दो नाबालिग बच्चियों का रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां सरनगंज थाना क्षेत्र के कुसमर रेलवे ट्रैक के पास का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में दो नाबालिग बच्चियों का रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंच गई है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस पर भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल रात को थाना सराय लखनसी के सिकरी डीह चौकी क्षेत्र के अंतर्गत दो लड़कियों की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो जाने की सूचना मिली थी, जिससे मौके पे मेरे द्वारा जाकर उसका निरीक्षण किया गया। तो दो बच्चियां जो है मौके पर मृत हो गई थी, ट्रेन से उसको धक्का लगने से वह मृत्यु हो चुकी थी। वो मालगाड़ी से जो है कि उसको चोट आई थी। मालगाड़ी के ड्राइवर से भी बात हुई थी, जिनके द्वारा उपस्थिति वो थे, उन्होंने घटना के बारे में बताया। दोनों बच्चियां जो कि एकाएक रेलवे ट्रैक पर सामने आ गई और लेट गई रेलवे पटरी पे, इमरजेंसी ब्रेक ड्राइवर द्वारा लगाया गया, किंतु मोमेंटम ज़्यादा होने के कारण गाड़ी आगे बढ़ गई और उनको धक्का लगा और मौके पर ही जो है उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। और इस संबंध में भ्रमण के दौरान इनके बारे में जानकारी करने की कोशिश की गई, तो प्रथम दृष्टया रात के समय और लोकली कहीं जो है कि इस प्रकार की बच्चियों को किसी की जो है कि सूचना नहीं प्राप्त हो पा रही थी, लिहाजा विधिक कार्रवाई करते हुए उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए अगली कार्रवाई के लिए उसको भेज दिया गया था। और बाद में इसमें और जानकारी सुबह तक जो है कि करने पर पता चला कि दोनों लड़कियाँ, एक का नाम सालू है और दूसरे का नाम रोशनी है, जो एक लड़की जनपद गाजीपुर की रहने वाली है लेकिन दूसरी लड़की जो है कि जनपद आजमगढ़ की रहने वाली है। सर, क्या संबंध था दोनों में? दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, बाकी इसमें और जो है कि छानबीन जो है कि संबंधित